हाय गाइस, आज मैं आपको आलू छोले की सब्ज़ी बनाना चाहूँगी जो बहुत टेस्टी होती है। आप उसको बना के खाइए या फिर कोई गेस्ट आता है तो बना के खिलाइए, बहुत टेस्टी लगती है। उसके लिए मैं आपको कुछ मसाले पहले से बता देती हूँ। तो हम ग्राइंडर कर लेंगे, जो है एक चम्मच जो है एक टेबल स्पून जो है जीरा लिया है। आप चाहें तो हाफ भी ले सकते हैं, अपनी चॉइस के ऊपर है। एक छोटी सी जो है दालचीनी का टुकड़ा लिए हैं, थोड़ी सी मूँगफली लिए हैं, मूँगफली के दाने लिए हैं, और ये थोड़ी सी जावित्री है, ये जायफल का टुकड़ा है, सौंफ है आधा चम्मच, और तीन चार लाल मिर्च लिए हैं। आप चाहें तो, अगर आप लाल मिर्च खड़ा नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं जो पैकेट का आता है। दो इलायची, दो छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, चार पांच लौंग, थोड़ा सा जो है काली मिर्च, और ये अदरक, अदरक का टुकड़ा है, एक प्याज है छोटी प्याज कटी हुई, और लहसुन भी है, देख सकते हैं एक लहसुन है, मतलब एक लहसुन है, थोड़ा सा टमाटर है, दो टमाटर कटे हुए हैं। ये सब हम ग्राइंड कर लेंगे। देख सकते हैं इस तरह से हम सारे मसाले एक साथ ही ग्राइंड किए हैं, लहसुन प्याज और टमाटर सब एक साथ कर लिए हैं। इस तरह से हम इसको ग्राइंड कर लिए हैं। अब हम आपको सब्ज़ी बनाना बताएंगे। हमने मसाले तैयार कर लिए हैं। एक टेबल स्पून हम जो है इसमें ऑयल डाले हैं, ये हीट हो जाएगा तब इसमें हम जो है थोड़ा सा साबुत जीरा डालेंगे, वन पिंच हींग डालेंगे, थोड़ी सी ये हम कड़ी पत्ता डालेंगे, एक छोटी कटी प्याज डाल देंगे। हमें प्याज जब तक धो रही है, तड़का हमारा तय हो रहा है तब तक हम उसको बता देते हैं। हमने ये आलू और ये छोले चने जो है, हमने इसको जो है साबुन चने को दोनों को साथ में ही आलू को छील के अच्छे से धुल के इसको हमने दोनों साथ में ही बॉइल कर दिया था। देख सकते हैं इसमें हमने ये कड़ी पत्ता भी उबाल के समय डाल दिया था, और ये हल्दी और धनिया, ये सिर्फ हमने जो है इसको एक स्पून जो है डाल करके इसमें जो है पानी डाल के रख दिया है थोड़ा सा देखने के लिए। उसके बाद हम ये डालेंगे, और इसमें चाहें तो आप जैसे लाल मिर्चा नहीं पीसते हैं तो आप इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हमारा तड़का जो है तैयार हो चुका है, देख सकते हैं हो गया अच्छे से। अब हमने जो मसाले तैयार किए थे उसको जो है इसमें डाल देंगे। धनिया और हल्दी का था ये भी इसमें डाल के अच्छे से मसाला हमारा हो गया है। तो अब इसमें हम जो है ये पूरा आलू और ये सब डाल देंगे, अपने टेस्ट अकॉर्डिंग इसमें जो है नमक डाल देंगे, इसको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ये पूरी तरह से हमारा सब पका ही हुआ है आलू और सब चीज़, इसको दो मिनट के लिए थोड़ा सा पकने देंगे बस। सब्जी जो है तैयार हो गई है, और पूड़ियों के साथ खाइए, पुलाव के साथ खाइए, किसी चीज़ के भी साथ खाइए, बहुत टेस्टी सब्ज़ी होती है। और इसमें जो है छोले भी पड़े हुए हैं, तो छोले और आलू दोनों का टेस्ट अच्छा आता है, और मसालों के साथ इसको जो है अच्छे से बनाइए आप लोग भी। और आपको मेरा चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इसको पूड़ियों के साथ अभी हम लोग जा रहे हैं टेस्ट करने। बाय बाय।